पापा ये क्या कर रहे हैं आप, फर्श पर पोंछा लगा रहे हो? नहीं बेटा, मैं तो बस गंदगी हो गई थी यहाँ पर, कुछ गिर गया था वो साफ कर रहा था मैं। भाभी कहाँ है भाभी? अरे क्या हो गया, भूकंप आ गया क्या, घर नीचे चला गया, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? इतने दिनों बाद में लौट के आए हो और क्या 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 करते हुए आए हो? भाभी क्या ये सब, आप पापा से पोंछा लगवा रही हो? हाँ तो डायबिटीज के मरीज है, एक्सरसाइज जरूरी होती है, अब ये खा खा के मोटे होते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि घर के थोड़े काम करवा लूं। अब लोग तो बोलते हैं ना कि घर के काम करने से वजन कम हो जाता है, 100 बीमारियां नहीं लगती है, थोड़ा बहुत काम ये भी कर लेंगे तो क्या हो गया? ये किस तरीके का समोसा लगा रहे तुम? मैं लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ, मैं फिसल जाती, मुझे हड्डियां टूट जाती तो कौन पैसे देता हूँ? भाभी मैं लगाता हूँ। क्या कर रही हो आप, आपके ससुर है, आप उनके साथ ऐसा कर रही हो, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। तो मत देखो ना, जाके ना आंखों पे पट्टी बांध लो, ठीक है? मैं तो ऐसे ही काम करवाऊंगी, सास नहीं है मेरी, ये तो बस सास से भी ना यही काम करवाती हूँ, और मैं क्यों करूंगी सब काम? तुम और तुम्हारे बड़े भैया दोनों अय्याशी काटने के लिए घर से बाहर चले जाते हो, और मैं यहाँ पर घर को संभालूं और घर के काम करूं? ओ हेलो, 2023 की लड़की हूँ मैं, इस जमाने की लड़की ना घर में काम नहीं करती, और मेरे मैनिकर खराब हो जाएगा यार, मैं ये सब काम नहीं करती। मेरे बाप ने ना मेरे को बहुत ऐसा बॉस से पाला है, ये सब काम करने के लिए ना मेरे पर 36 नौकर लगे हुए थे, तो मैंने ससुर को नौकर बना दिया, क्योंकि बड़ा बड़ा ही घर में खाता रहता है। भाभी देखो, आप ना एक लड़की हो इसलिए मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा, वरना कोई लड़का होता ना तो अभी मैं उसका मुंह तोड़ देता। अच्छा तुम मुझे फिजिकल वायलेंस की धमकी दे रहे हो? मारो, एक काम करती हूँ, मैं ना खुद के कपड़े फाड़ देती हूँ, उसके बाद में ना तुम्हारे पर हिसाब लगा दूंगी। सुनो, छोटे भाई हो ना तो छोटे बन के रहो, अपनी औकात में रहो, समझे? वैसे भी तुम कुछ करते नहीं हो, मैं तो सोच रही थी कि तुमको भी ना अपना रूम साफ करने पे लगा दूं। हो गया कर ले सफाई पापा, आप कुछ भी नहीं करोगे, मैं ना अभी बड़े भैया को फोन करता हूँ, वही देखेंगे आपको। अच्छा मुझे धमकी दे रहे हो तुम? शांत रहो भाभी आप। हेलो भैया, आप कहाँ हो, या ऑफिस में ही रहोगे या घर में क्या चल रहा है? भाभी पापा से झाड़ू पोछा करवाती हैं, आप जल्दी आइए अभी। ठीक है अभी भैया आते हैं, वही देखेंगे आपको। अरे पापा जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे घर में काम वाली नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। आप मुझसे कितना प्यार करते हो ना, बिल्कुल छोटी बेटी की तरह रख रहे हो अपनी, आओ आप ही सब मत करो। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे सर? और पापा ये कैसी वेशभूषा बना रखी आपने? अरे मैं बताती हूँ प्रिंस, हुआ क्या ना, वो 2-3 दिन से ना रेशमा नहीं आ रही है, और मैंने उनको मना किया था कि आप कुछ मत काम करो, ये खुद ही काम करने लग जाते हैं, पर पोछा मार रहे थे, और देखो किस कपड़े पहन के डोल रहे हैं, ये कह रहे कि गंदे हो जाएंगे नए कपड़े। एक मिनट, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। पापा क्या चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि प्रेम का भी अभी मेरे पास कॉल आया था कि मैं घर में आया तो भाभी पापा से काम करा रही हैं। आप बताओ मुझे कि क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब मैं झूठ बोलूंगी, और तुम ये छोटे भाई की बातें सुन रहे हो, मतलब आज तुम्हारे लिए हमारी शादी से ज्यादा, हमारे रिश्ते से ज्यादा ये जरूरी हो गया है? भाभी आप ना बिल्कुल शांत रहिए, जो कुछ मैंने देखा था वो मैं कभी भूल नहीं सकता, आप पापा से कितने गलत तरीके से बात कर रही थी, आपने मुझको क्या क्या बोला पता है आपको? मैं बताती हूँ प्रिंस साहब इसकी सच्चाई, अभी तक मैं चुप थी, कुछ रिश्तों की मर्यादा रखकर, थोड़ा छोटा भाई है ना ये मुझे छेड़ता है, मुझे गंदे तरीके से ना घूरता रहता है, मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया, कभी कभी तुम्हारे जाने के बाद में ना चुपके से मेरे बेडरूम में आ जाता है, मैंने तुम्हें ये भी बताया था ताकि ना तुम इसको घर से बाहर ना निकाल दो, और आज इसने ना जब यही हरकत करी ना तो ये मेरे को बदनाम करना चाहता है तुम्हारी निगाहों में, कि मैं पापा जी से गलत काम करवाती हूँ, आप पर घर का काम करवाती हूँ, देखिए अभी ना इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालो। बस करो बहू, बहुत हो गया, अब तक जब तक तुम मेरे को अत्याचार कर रही थी तब तक तो सही था, लेकिन अब तुम मेरे छोटे बेटे पर आरोप लगा रही हो कि उसका चरित्र गलत है, वो तुमको छेड़ता है। और प्रिंस मैं तुमको बताता हूँ कि इसकी असलियत क्या है, तुम जब यहाँ घर से चले जाते हो ना तो मुझसे घर के सारे काम करवाती है ये। क्या तू पापा से घर के काम कराती है? नहीं, पता नहीं पापा जी को क्या हो गया है, क्यों झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है प्रेम को बचाना चाहते हैं इसलिए झूठ बोल रहे हैं। चुप हो जा बिल्कुल, मैंने भी उनकी बेवजूदा देख के सब समझ गया हूँ,
कि पापा किस तरीके से रहते हैं। और ये बहुत दिनों से ना जब भी मैं आता था तो ये कमरे में ही रहते थे और मेरे आने से पहले ये सो जाते थे। अब समझ में आया, क्योंकि ये घर के काम करते रहते थे तो थक जाते थे इसलिए सो जाते थे। अरे शर्म आनी चाहिए, ये तेरी बाप की उम्र के और तू इनसे ये सब करा रही है। देखो तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है, मैं तुम्हें बताती हूँ ना, हम लोग बैठ के बात करते हैं, और पापा जी तो नागा रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। अरे मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुझसे, अभी की अभी ना मेरे घर से बाहर निकल जा। क्या बोला तुमने? मैं घर से बाहर चली जाऊँ? हाँ घर से बाहर निकल जा। होश में हो तुम, क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ, अभी की अभी मेरे घर से बाहर निकल, जिससे पहले पुलिस को बुलाऊ। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, पापा जी झूठ बोल रहे हैं। कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। प्रिंस बेटा मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ, जब तुम चले जाते हो ना, ये दिन भर घर के मुझसे काम करवाती है, बर्तन साफ करवाती है, समय पर खाना तक नहीं देती, मेरी दवाई की गोलियों को उसने डस्टबिन में फेंक रखा है। मैं बाहर जाता हूँ टहलने के लिए तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवाती है ये, और मैं तुमको बताने कई बार कोशिश की कि तुमको बताऊं, लेकिन ये धमकी देती है कि अगर तुमको बताया तो ये तुमको जहर देके मार डालेगी। बेटा मैं चाहता हूं कि ये अब इस घर में ना रहे। बेटा मेघा अपना तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हें तो अब मैं कोर्ट तक घसीटूंगा, देखती जाओ तुम। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, पापा जी को मैं अपने पापा की तरह रखूंगी और ये सब काम नहीं करवाऊंगी। पुलिस तक मत जाओ, देखो कोर्ट केस वगैरह ना सही नहीं है, फैमिली मैटर में जब पुलिस इन्वॉल्व होती है तो सब तबाह हो जाता है। हो जाए तबाह तो जैसी लड़की को ना मुझे घर में रखना ही नहीं है। मेरे पापा सही बोलते थे कि तू हमारे घर के लिए है ही नहीं है, पर मैंने सब लोगों से लड़के तुझे इस घर में लाया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल, निकल ऐसे। पापा आज के बाद आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, हम दोनों भैया आपकी सेवा करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा ये लड़की इस घर के काबिल नहीं है। आप एक काम करिए, ये अपने कपड़े बदलिए और नीचे रूम में पहुंचिए, मैं तीन चार सर्वेंट बुलाता हूँ। ठीक है बेटा आओ।